हेलो फ्रेंड्स और कलम खा दौड़ लोग, आपका स्वागत है मेरे न्यूक्लियर रिएक्टर 2020 यूट्यूब चैनल पे। और हैप्पी वैलेंटाइन डेज टू ऑल द कपल्स जो भी ये मेरी वीडियो को देख रहे हैं, या फिर उन सभी को जो कपल हैं जिनका कोई ना कोई है, और जो जो सिंगल्स हैं मेरी तरह, आपके लिए तो भाई क्या ही वैलेंटाइन डे है। हमारे तो भाई नॉर्मल ही होता है, आम दिन की तरह ही होता है। हमारे क्या स्पेशल होता है? स्पेशल तो उनके लिए होता है जो को जो कि कपल्स हैं, वो जाएंगे घूमने फिरने आज। ओके, सो आई होप आपका वैलेंटाइन डे अच्छा बीता हो, क्योंकि ये वीडियो शाम को ही होगी अपलोड। क्योंकि ये जो सॉन्ग, आज सॉन्ग पे मैं रिएक्शन देने वाला हूँ, वो सॉन्ग आज ही आया है, तो मैं इसको थोड़ा सा टाइम देना चाहता था। क्योंकि किसी भी नई वीडियो के लिए शुरू के कुछ घंटे जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसके लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं इस वीडियो को जो वो शाम को लेके आऊँगा। शूट ये सुबह ही हो रही है पर वीडियो ये शाम को आएगी। तो ये जो सॉन्ग है उसका नाम है रावडी नीनी याक। आई होप मैंने ठीक से प्रनाउंस किया हो। सो ये एक लव सॉन्ग है, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे नहीं पता ये कैसा सॉन्ग है, क्योंकि वैलेंटाइन डे पे रिलीज किया है तो भाई लव सॉन्ग ही होगा। ओके, सो अगर आप इसकी जो है कास्टिंग की हम बात करें, तो कास्टिंग में मिथुन देवर्मा एंड मैक्सिना पोनम है। ओके, और डायरेक्शन लिरिक्स एंड कंपोजिशन अनिमा देवर्मा जमातिया ने की है। वाह क्या बात है, बड़ा ही टैलेंटेड है भाई। डायरेक्शन लिरिक्स और कंपोजिशन एक ही बंदे ने की है, और सिंगर है पमिता रियांग मेरी फेवरेट, एंड मानिक देवर्मा। म्यूजिक एंड सिनेमाटोग्राफी में सोकांग देवर्मा, वो तो भाई नेसेसरी है भाई, हम हर त्रिपुरी सॉन्ग के लिए ये भाई साहब तो भाई नेसेसरी है, हर जगह होते हैं। और प्रोडक्शन हाउस है ADJ प्रोडक्शन, और ये ओरिजिनल वीडियो भी ADJ प्रोडक्शन पे है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए और ओरिजिनल सॉन्ग को भी जरूर जरूर देखेगा, अपना सपोर्ट कीजिए। अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारी ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन हम आपके लिए लेके आते रहें। और देर ना करते हुए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है, और फिर करेंगे अपनी बातें। 1 2 3 रौडी रौदी निनी याक द इनविंसिबल लव, ये लिखा था ना, व्हेन लव इज टुगेदर वी कैन वॉक मिलियंस। वाओ एक्टर बहुत क्यूट है यार। क्या नाम था इनका भाई? ये तो भाई क्या ही कहना उनके। मेल एक्टर भी बहुत हैंडसम है यार, बॉडी काफी बढ़ गई है भाई। जगह बड़ी सुंदर है, पता ना कौन सी है जगह। मैं
निनिया रम दियानिया हम जंग माने हदुगो हिमलायना हम जंग माने हदुगो जगह भी बहुत अच्छी है, मुझे इसका भी नाम बताओ। बखानी हथायो नो नो तुई तोंगान मोकोलियारी वो मायारु तोंगान खानी हथायो नो नो तुई तोंगान मोकोलियारी वो मायारु तोंगान खचिनी मारी वो नो नो लोव तोंगान खचिनी मारी वो नो नो लोवन लोकेशन बहुत सही से चूज करी है यार। रदीनिया रमदीनिया हम जमाने हदुगो हिमलायना हम जमाने हदुगो। ये जगह बड़ी खूबसूरत है। True love stories have no ending. True love stories have no ending. Okay, so ये अच्छा lady है अनिमा। I won't get up with it. Music Cameron did Sukang Devarma. Oh, ये है वो legend है। पहली बार देखा मैंने सुकांत देवर्मा की फोटो, नाम ही सुना मुझे। हम बाय। ओके देखो भाई, टू बी वेरी फ्रैंक, गाना एकदम परफेक्ट लगा मुझे। ठीक है, और मैं नोटिस कर रहा हूँ, देखो मैंने बहुत सारी त्रिपुरा की वीडियोस करी हैं। ठीक है, आपने भी, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने भी देखा होगा कि मेरी नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी वीडियोज़ हैं उनमें से मेजर पोर्शन में जो होता है वो त्रिपुरा की वीडियोस होती हैं, खासकर कॉक बॉर्ब की वीडियोस। और मैंने ये खुद फील किया है कि इम्प्रूवमेंट हो रही है ना, मतलब जो म्यूज़िक वीडियोस होती है उनकी कास्टिंग, डायरेक्शन और जो लोकेशन वो चूज़ करते हैं और एक्टिंग, सब कुछ इम्प्रूव हो रहा है। ये बताओ गाइस, एक दिन बहुत ऊपर जाओगे तुम। सही में मैं देख रहा हूँ, अब जैसा कि ये वाली जी जो थी वीडियो, इसमें सब कुछ परफेक्ट था, लोकेशन बहुत अच्छी चूज़ करी थी, कॉस्ट्यूम बहुत सही थे, एक्टर्स बहुत सही थे, और सॉन्ग, लिरिक्स, और पमिता रैना जी ने तो कमाल ही कर दिया। टेक टू बी वेरी फ्रैंक, और एक्टर्स बहुत सही थे, और फीमेल एक्टर्स तो मुझे बहुत क्यूट लगे, लिटरली फीमेल एक्ट्रेस। और पीछे जो जो पमिता रैना जी का जो सॉन्ग था, ठीक है, मतलब उनकी जो आवाज़ थी, कमाल था यार, एकदम मज़ा आ गया। और ये सही में ना, पूरा सॉन्ग में ना मेरी नज़र जो है फीमेल एक्ट्रेस की तरफ ज़्यादा थी, एडमिट करता हूँ मैं। और क्योंकि वो ना, एक तो वो वैसे ही बहुत खूबसूरत है, बहुत क्यूट है, और उनके साथ जो है पमिता रैना जी की जो है क्यूट जो वॉइस थी वो बड़ा ही ना एकदम मैजिकल सा हो रहा था। ओवरऑल कमाल था। और भाई त्रिपुरी
लेडीज की जो खूबसूरती का तो मैं फैन हूं ही, पर अब मैं और ज्यादा फैन हो गया हूँ लिटरली भाई। कोई है भाई सिंगल लड़की? मजाक कर रहा हूँ। वैसे भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेरे मेरे बस की बात नहीं है, पर अगर कोई चंडीगढ़ में कोई हो लड़की या फिर आसपास के एरिया में, तो हम बात कर सकते हैं, क्या मुझे और जानने को मिलेगा। ठीक है, अब ये मत करना कि ऐसे कर रहा हूँ भाई, मैं शायद इस सॉन्ग की वजह से थोड़ा वो हो रहा हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगा तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो वो सब मैं जो जो मुझे फील कर रहा हूँ मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप देख लो। ओके, हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो पे। सॉन्ग बहुत बढ़िया था, और हाँ प्लीज़ मैं इंसिस्ट करता हूँ, और ये क्योंकि ये सॉन्ग आज ही आया है तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इन्हें। तो अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने ये सॉन्ग पहली बार मेरे थ्रू ही सुन रहा है, तो प्लीज़ ओरिजिनल सॉन्ग भी जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, मतलब उनको भी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वो गर्लफ्रेंड वाली जो थी ना बात, ठीक है, वो मैं लिटरली किसी आसपास में जो लड़की है त्रिपुरा की या फिर नॉर्थ की, उससे मैं मतलब फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, ताकि मैं वो जान पाऊँ। और कुछ भी नहीं था भाई, ऐसे कमेंट सेक्शन में वो गालियाँ देना मत शुरू कर देना मुझे। ठीक है, ठीक है, वैसे ही जैसे क्योंकि मेरा कोई नॉर्थ का जो है दोस्त नहीं है ना, इसलिए चलो मिलते हैं अगली वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।